नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। तंत्र मंत्र और विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चावल यानी अक्षत हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र अनाज माना जाता है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। किसी न किसी सामग्री को किसी न किसी भगवान को चढ़ाना निषेध है। जैसे तुलसी को कुमकुम नहीं चढ़ता और शिव को हल्दी नहीं चढ़ती, गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती तो दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ती, लेकिन चावल हर भगवान को चढ़ते हैं। चावल से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ आज के दिन मैं आपको दूंगी। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए ना हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। मात्र 5 दाने चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिवजी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अखंडित चावल की तरह अखंडित धन मान सम्मान प्रदान करते हैं। घर में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा को चावल की ढेरी पर स्थापित करना चाहिए। जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं होती है। पूजन के समय अक्षत इस मंत्र के साथ भगवान को समर्पित किए जाते हैं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्तः सुशोभितः मया निवेदिता भक्त्याः गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अन्न में अक्षत यानी चावल को श्रेष्ठ माना जाता है, इसे देवान्न भी कहा गया है। देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित कर रहे हैं। इसे ग्रहण कर आप भक्तों की भावना को स्वीकार करें। चावल के 5 दाने भी उतना ही फल देते हैं जितना एक चुटकी चावल या एक मुट्ठी चावल। अमीरी के कठिनतम उपाय से बेहतर है मात्र एक चुटकी चावल। पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन अर्पित करें अपने इष्ट देव को और देखें चमत्कार। कुबेर की यदि आप घर में स्थापना करते हैं, या तो कुबेर का नाग या फिर यंत्र, तो वो भी आप चावल की ढेरी पर करें। फिर देखिएगा घर में अन्न धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। ऐसे छोटे छोटे खास उपाय तंत्र मंत्र और विज्ञान में मैं लेकर आऊँगी एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।